सिंध काबीना ने कोरोना सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी मुलाजिम का कोरोना से इंतकाल हुआ तो 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन के गरज से गाड़ियों की खरीदारी के लिए 240 मिलियन की भी मंजूरी दे दी है। टाउन ऑफिसर्स की ग्रेड 11 से ग्रेड 16 में तरक्की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई है। सिंध में भी कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, सूबाई काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखला सिंध ने वफाकी वजारत दाखला को नया खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का कहना था कि फौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 245 के तहत दरकार है। इजलास में फैसला किया गया कि ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी मुलाजिम के इंतकाल पर 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती सरकारी मुलाजिम पर भी होगा। काबीना इजलास में टाउन ऑफिसर्स की ग्रेड 11 से ग्रेड 16 में तरक्की कर दी गई। वजीर आला ने महकमे बल्दियात को उन मुलाजमीन को सिंध हुकूमत के पैरोल पर लाने की हिदायत कर दी। इजलास में रेवीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 240 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया कि 60 स्मॉल साइज 800 सीसी पिकअप गाड़ियां खरीदी जाएंगी। प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर वैक्सीनेट किया जाएगा। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और सिंध शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तरामीम की भी मंजूरी दी गई। फैक्ट्रीज एक्ट और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तरामीम भी मंजूर। महकमे बल्दियात का पेश करदा वाटर एक्ट भी मंजूर कर लिया गया।